which is where I'm doing the I'm certified instructor of BLS and ACLS Association, and I'm also getting certificate in American Art Association, and I'm a certificate member of the University of Health Sciences as a training certificate in the Office of the Line for SASA, PFIC, SASA, Armed Forces Bureau of Radio. Basically, which is lacking the courses, and this is a BLS, ACLS, and TAS. Very important courses, especially for those who are working in ER, जो कि emergency में काम कर रहे हैं, ये जो wards के अंदर काम कर रहे हैं, और basically ये जो courses हैं, BLS, ACLS, and TAS, these are the mandatory workshops. Without these certification, जो medical professionals हैं, they are not allowed to practice either in clinic or hospitals. इन courses में क्या है? इसके अंदर हम जो patient हमारे पास आते हैं, ER के अंदर, जो कि different life-threatening condition के साथ gasping करते हुए आ रहे हैं, patient collapse कर जाता है, unresponsive हो जाता है, उसके साथ हम उसको मॉनिटर टाइप कर रहे होते हैं, उसके रिदम्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, एज पर रिदम वहाँ पे हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं. CPR इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली पेशेंट का जो भी हमारा आ रहा है रिस्पॉन्सिव है, पेशेंट से कार्डिक अरेस्ट. कार्डिक अरेस्ट इज वेरी कॉमन. मोस्टली कार्डिक अरेस्ट हैपन इन वुमेन 40 केसेस, अगेन 80-90% केसेस. कार्डिक अरेस्ट बेसिकली बहुत कॉमन है, और कार्डिक अरेस्ट में एक्चुअली टाइम इज वेरी अर्ट. As well as recognized patient is unresponsive, yes. There's no pulse and no breath. Basically, means the patient is in cardiac arrest. And if you cardiac arrest, time is for in cardiac arrest. When you recognize the patient is cardiac arrest, when you recognize the patient is in cardiac arrest, there's no pulse and no breath. The survival rate decreases by 10%. हर एक मिनट के बाद अगर आप पेशेंट को रेस्ट करें, इसलिए वेरी कॉमन है. उसमें एक आपके टेंकार्डिक रेस्ट है, वेरी बहुत वाइबल रेट है. इन 80 टू 90 टेंट इसे सर्वाइवल रेट इस लेस है. कार्डिक रेस्ट बेस ऑफ मोस्टली और हमारे नेक्स्ट और यार रेस्ट में आते हैं, इमरजेंसी में आते हैं, इनको कार्डिक रेस्ट करने पे इसे भी चेक पे प्लेस पे हुआ होते हैं. जब लाते हैं तो आने के बाद वापस कुछ भी नहीं होता करने. ये कोर्स बेसिकली अमेरिकन पार्टिस उनके लिए भी, लाइक जो नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी, जिसको हम कहते हैं फैमिली एंड फ्रेंड CPR, CPR इन स्कूल, स्कूल लेवल के ऊपर फर्स्ट एड CPR, AED कोर्स. ये वो कोर्सेज हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट बोथ साइड टू वेल टू रिकॉग्नाइज पेशेंट इज अनकॉन्शियस सिक्योर फेस में वो पर्स एंड नो दैट सिक्योर स्टार्ट कर दे मींस के पेशेंट इज इन कार्डियक अरेस्ट वो हॉस्पिटल एंड कार्डियक अरेस्ट टाइम इज ऑफ रिपोर्ट के साथ करने के लिए रिकॉग्नाइज तो कार्डियक हॉस्पिटल व्हेन यू रिकॉग्नाइज द पेशेंट अगर उसका सीपीआर इनिशिएटिव किया होगा जब कार्डियक अरेस्ट होता है सर्वाइवल रेट बाकी जाता है तो वाटर ऑर्गन्स इज मिनट के बाद अगर आप पेशेंट के 4 से 6 मिनट के अंदर डैमेज करेंगे हर एक चीज से 10 मिनट अंदर डैमेज सर्वाइवल रेट कम से कम नहीं आफ्टर. इसलिए CPR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल मेडिकल एंड नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स. अब हम आते हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स की तरफ, जो कि हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ER में काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, उनके लिए एक एडवांस कोर्स है, जो कि एडवांस का जैसे अलग स्कूल कोर्स. उसके अंदर हम बता रहे होते हैं कि आपने किस तरह से गाइडलाइन सब कुछ किया, आपने रिदम को कैसे रिकग्नाइज करना है, जो रिदम चल रही है उसके एज पर रिदम आपने ट्रीटमेंट क्या इनिशिएट कर रहे हैं, कहाँ पर आपको शॉक देना है. ये मशीन हमारे पास डिफरेंट मौजूद है, इससे डिफरेंट मशीन हमारे पास जो शॉक देते हैं. कुछ कार्डियक एग्जाम्स हैं जिनके आपको शॉक देना बहुत है. मोस्टली हमारे बाइक अगर हम याद में पेशेंट आते हैं, बल्स में आते हैं, इनको कार्डिक तो वेंटिकल फिब्रिलेशन या पल्स रेट वेंटिकल फिब्रिलेशन वाडी है, और जब उसका ट्रीटमेंट सी पी आर मशीन वर्क भी बट सकती है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये वो है जिस बाइक हमारे टाइम बाई कर रहे हैं, जब तक आपका स्क्रैच कार्ड आ जाता है जो जब हम मेडिकल पास आते हैं उनके लिए टाइम बाई, उसको हम कहते हैं मॉनिटर टाइप करके हम लिया CPR in school, ये ट्रेनिंग उसको बता रहे होते हैं कि फर्स्ट CPR मैनुअल डिस्ट्रीब्यूटर, ये आपने कैसे यूज करके मॉनिटर अगर आप सेट साइड पे विटनेस करते हैं जो फर्स्ट CPR कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उस हिसाब से ट्रेनिंग है आपने किस हिसाब को अगर सीख. तो ये कोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है तमाम मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए और नॉन मेडिकल के लिए जो फैमिली फ्रेंड केयर स्टार्ट कर देते हैं. मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए BLS, ACLS एंड TAS विदाउट दीज सर्टिफिकेशन एनी मेडिकल प्रोफेशनल देयर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस इन अ ट्रेनिंग और हॉस्पिटल. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स. इसमें आप डिफरेंट मैनिकिन्स यूज़ कर रहे होते हैं, ये मैनिकिन्स हमारे पास हैं, सॉफ्टवेयर बेस होते हैं, इसमें आपको पल्स भी शो कर रही होती है, इसमें तमाम डिफरेंट जितने भी वाइटल्स हैं वो आपको शो कर रहे होते हैं, प्रेशर आ रहे होते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन फ्रॉम द रिक्रूट कर रही होती है.